तो हलवा पूड़ी शुरू कर दी है जी। ये शबरात है पाकिस्तान में, आपको पता सऊदी में तो ऐसे इंतज़ाम नहीं होते हैं, लेकिन ये मैदा इसमें घी डाला है और साथ में अच्छा ये 1.5 kg था यानी कि 1.5 किलो, और घी रख दिया है ऊपर को भी निकालते हैं इसमें, और साथ में बनाएंगे हलवा और साथ में बनाएंगे चने। तो ये एक चीज़ है जी, ये पूड़ियाँ बनाने से पहले आप देख लें ऐसे पीस में, आलू वाली टिक्की नहीं बनाते हम सऊदी अरेबिया में, तो ये इसकी आप बनाएंगे ऐसी टिक्की। अभी इसके ऊपर थोड़ा लंबी करेंगे इसको, तो घी में डालेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो अभी ये सूजी पक रही है, ये पूड़ियाँ वगैरह तो रेडी हैं जी, देख लें माशाल्लाह, तो ये खस्ता बनी है बिल्कुल, एक घी डाला ज़्यादा डाला हुआ था। अभी ये सूजी है जी, अभी इसको घी में वैसे पकाया जा रहा है, आप जितना लाल करना चाहते हैं वो तो आपकी मर्ज़ी है, अगर ज़्यादा लाल करना चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा पका लें, अगर थोड़ा लाइट रखना चाहते हैं। अच्छा अगर 1 किलो सूजी है ना तो उसमें 1 किलो चीनी है, ये है जी, तो 1 किलो सूजी अभी देख लें, इसमें पानी डाला था, पानी डालने के बाद चीनी वगैरह तो ज़ाहिर सी बात है आप पानी के साथ डाल देते हैं, तो अभी माशाल्लाह ये तैयार है, इसको भून रहे हैं, जब घी इसके ऊपर आना हल्का हल्का शुरू हो जाएगा ना फिर ये रेडी है, अभी रेडी है तकरीबन जी। तो ये प्लेट में डाल दी है, आप किसी फैमिली वगैरह को, ज़ाहिर सी बात है घर में फैमिलीज हैं इनको देंगे, तो बाहर बाकी तो बच्चों को बांट देंगे, अभी शुरू करते हैं जी, तो कुछ बच्चों को तो तकसीम करेंगे, देख लें जी आप, और ले जो ले जो ले जो जी, तो घरों में तकसीम की जा रही हैं जी, वो अभी सलाह की है भाभी ने कि ये बच्चों को नहीं बांटेंगे, जितने घर हैं घरों में देंगे, तो घरों में बांटी जा रही है। अभी मैं हर किसी के घर जाकर तो वीडियो शेयर करने से रहा, माशाल्लाह ये अच्छी बना जी, और आपके साथ मैंने बोला चलो शबरात है पाकिस्तान में, तो ये घरों में बांटी जा रही है, बहरहाल बच्चों को ये तकसीम नहीं की गई।